तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं डिजीटेक के वायरलेस माइक्रोफोन का, जो कि प्रोडक्ट हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फर्स्ट मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था मेरे आईफोन के साथ, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो दोबारा से मैंने उसे रिप्लेसमेंट करा के मंगाया है और फाइनली ये मेरे पास आ चुका है। चलिए हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको इसका कुछ बॉक्स इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर आपको डिजीटेक का लोगो दिखाई देता है, और साथ साथ यहाँ पर अंदर हम खोलते हैं तो फिर पता चलेगा आपको क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे आप अंदर खोलते हो दोस्तों, तो ये एक आपको केस मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप जो भी आपका इक्विपमेंट है उसे आप कहीं पर भी ट्रेवल के दौरान रख सकते हो, अच्छा है, मेरे ख्याल से बढ़िया है, और इस प्राइस रेंज के अनुसार केस मिलता है तो आपको अच्छी बात है। अब इसमें दोस्तों काफ़ी सारे केबल मिल जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊँगा, देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इक्विपमेंट है, लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ आपको दिया हुआ है। सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांसमीटर, दूसरा भी यहाँ पर ट्रांसमीटर, और तीसरा यहाँ पर रिसीवर दिया गया है। रिसीवर जो कि आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे, और ट्रांसमीटर जिससे आप ये आपका माइक होगा जिसमें आप बोलोगे, ओके। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे आपको केबल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइप सी टू लाइटनिंग केबल दिया गया है जो कि हम अपने आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल दिया गया जो कि हम अपने माइक्रोफोन और एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो हेडफोन मिलता है जिसे आप डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हो, जब भी आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पर आपको दो हेडफोन दिया गया जिससे आप सुन सकते हो, ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वाइट नॉइज़ के लिए दो आपको दिया गया है, अपने माइक्रोफोन में आप माउंट कर सकते हो, लगा सकते हो उसको, इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कुछ केबल मिल जाते हैं, जैसे कि दो केबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक टाइप सी टू फोन के लिए जिसके पास 3.5 mm जैक है वो इस केबल का यूज़ कर सकता है, और एक है कैमरा के लिए जो कि आपके पास अगर कैमरा है DSLR वगैरह तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और केबल मिलता है जिससे आप चार्जिंग कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे दो टाइप सी का यहाँ पे पोर्ट दिया गया, और एक यहाँ पे USB माउंट करने के लिए दिया गया, इसे आप चार्जर में लगाओगे अपने मोबाइल फ़ोन के, और यहाँ पर टाइप सी के ये जो ट्रांसमीटर मिलता है इसमें आप टाइप सी को लगाओगे और इससे आप चार्जिंग कर सकते हो, तो परफेक्टली है, चार्ज मैंने करके देखा, चार्ज अच्छे से हो रहा है। अब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसे आईफोन में कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि एंड्रॉयड में ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, आईफोन में जब मैंने फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, उसका जो टाइप सी का पोर्ट था वही अंदर नहीं जा रहा था, तो फिर से मैंने उसे रिप्लेस कराया और फाइनली ये दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। तो इसे मैं अभी अपने आईफोन में कनेक्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं। चलिए मैं आपको डायरेक्टली आईफोन में कनेक्ट करके बताता हूं कैसे कनेक्ट करना है, और उसके बाद मैं आपको उसका वॉइस की क्वालिटी भी सुनाऊंगा। तो दोस्तों यहां पर आईफोन में कनेक्ट करने के लिए आपको टाइप सी टू लाइटनिंग केबल यहां पर दिया गया है, और इसी केबल का आप यूज करोगे। मेरे पास आईफोन 12 है तो मैं इसमें कनेक्ट करने वाला हूं। सबसे पहले आपको जो ये लाइटनिंग केबल है उसको आप अपने आईफोन में यहां पर लगाएंगे। दोस्तों ये जो आपको रिसीवर मिला है, इस रिसीवर में आप टाइप सी को इंसर्ट करोगे, तो चलिए मैं इसको भी इंसर्ट कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे हमने इंसर्ट कर लिया, आसानी से चला गया। लास्ट जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया था जिसको मैंने रिप्लेस किया उसमें ये नहीं जा रहा था, यही नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसे रिप्लेस किया था, तो आप भी चेक कर लेना, अगर आपका नहीं हो रहा तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑन ऑफ करने का, तो यहाँ पे आपको इसे सिंपल सा प्रेस एंड होल्ड करना है और ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे लाइट जलने लगा है और ये ब्लिंकिंग हो रहा है। जैसे हम अपने जो भी ट्रांसमीटर है उसे ऑन करेंगे तो ये जो ब्लिंकिंग है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है इसको हम सिंपल सा ऑन करते हैं, और जैसे हमने इसे ऑन किया ये दोनों के दोनों आपस में पेयर हो चुके हैं, शायद से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट ये दोनों के दोनों पेयर हो चुके हैं, और जो लाइट ब्लिंकिंग हो रहा था वो भी बंद हो चुका है। तो ये सक्सेसफुली अभी हमारे आईफोन के साथ कनेक्टेड हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं कि यहाँ पर इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसा सुनने में लग रहा है। तो दोस्तों अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो ये डिजीटेक के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, और फिलहाल मैं अभी ब्लॉगिंग टाइप का कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर किस तरह से आपको आवाज़ जो है वो सुनने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने माइक को कॉलर पर लगाया हुआ है, और अभी फिलहाल मैं छत पे जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका जो क्वालिटी है नॉइज़ कैंसिलेशन का वो भी आपको अच्छे से पता चल सके। तो अभी जो आवाज़ आ रही है ये फ्रंट कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक यहाँ पे कॉलर पे लगा हुआ है, और शायद से आपको अभी आवाज़ बहुत ही अच्छी से आ रही होगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका डिस्टेंस भी दिखा देता हूँ कि क्या डिस्टेंस पर ये रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों इसे मैंने माउंट कर दिया है एक छोटे से ट्राईपोड पर, और थोड़ा सा मैं दूर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं इतना दूर, शायद से अभी जो मैं मुड़ गया हूँ तो आपका आवाज़ कटने का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। मैं अभी इतना दूरी पे हूँ और आपको वॉइस अभी आई थिंक अच्छे से क्लियर सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ मोड भी दिया गया है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे मैं अगर हाथ में पकड़ता हूँ तो आप हमें बताना कि इसका जो वॉइस है वो कैसा आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन का भी फीचर मिलता है, तो यहाँ पर ऊपर आपको एक बटन दिखाई देगा, इस बटन को जैसे आप एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आपको शायद से नॉइज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा, जो हवा चल रहा है वो सब कुछ आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा।
इसके अलावा फिर से अगर आप एक बार टैप करते हो तो यहाँ पर अभी आपको नॉइस सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं आपको आगे आ जाता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले बटन को प्रेस करके रखोगे, थोड़ा देर के लिए प्रेस आपको करना है, तो यहाँ पर ये इको मोड इनेबल हो गया होगा, आवाज़ जो है वो थोड़ा सा गूंज रहा होगा, तो ये भी एक अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है। अभी मैंने इको को बंद कर दिया है, फिर से मैं इसे कॉलर पे फिट कर लेता हूँ और आप हमें बताइए कि अभी जो आपको वॉइस की क्वालिटी है वो कैसी लग रही है। यहाँ पे पीछे मुड़ने पे शायद से अगर मैं बैक हो जाता हूँ तो यहाँ पर मे भी आपको आवाज़ थोड़ा सा कट-कट के सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जो भी वायरलेस माइक होता है वो सामने से अच्छे से यहाँ पे फेस टू फेस होना चाहिए, तभी अच्छे से आपको जो वॉइस है वो सुनाई देती है। तो दोस्तों वापस से मैं आ चुका हूँ स्टूडियो में और यहाँ पर अभी इसी माइक्रोफोन से मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फाइनली ये वीडियो था दोस्तों कि आईफोन को कैसे आपको कनेक्ट करना है, स्पेशली आईफोन के लिए ही मैं बनाया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यह प्रॉब्लम था, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था कि भाई कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो फाइनली अभी ये कनेक्ट हो जा रहा है और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा था आई थिंक वो भी आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। हालांकि मेरे पास एक माइक्रोफोन है ऑलरेडी है यहाँ पे मोनो का, तो इससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मैं बाहर जाता हूँ तो उसके लिए बेस्ट है, शॉर्ट टाइम के लिए मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे परचेस किया। बाकी आपकी क्या राय है, अगर आपको आवाज़ अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली अच्छी प्रोडक्ट है और आप भी चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। डिजिटेक का प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसे परचेस किया। मेरे पास डिजिटेक का रिंग लाइट भी है, डिजिटेक का ट्राईपोड भी है, डिजिटेक का यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन का जो भी स्टैंड है वो सब कुछ है, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो डिजिटेक का ही है मेरे पास, इसलिए मैंने डिजिटेक का ही माइक्रोफोन यहाँ पे परचेस किया, वायरलेस माइक्रोफोन। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे कम दाम में एक अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट लगा इसलिए मैंने इसे परचेस किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।